दोस्तों रसलमेनिया 39 का स्टेज रिवील हो चुका है एंड जैसा कि दोस्तों आप लोग इन फोटोज में देख सकते हो यहां पर बीच में WWE ने इंट्रेंस रैंप बनाई है, तो वहीं रैंप के दोनों तरफ हॉलीवुड का जो रेड कारपेट होता है विद स्टेयर्स वैसा कुछ WWE ने स्टेज बनाया है जो कि काफी कमाल का लग रहा है। एंड रसलमेनिया 39 लॉस एंजलिस में होने वाला है, तो WWE मैनेजमेंट फैंस को हॉलीवुड की पूरी वाइव देने वाला है। बाकी रसलमेनिया 39 नाइट्स का इवेंट होगा एंड अभी भी स्टिल रसलमेनिया के स्टेज का वर्क इन प्रोग्रेस है एंड दोस्तों बहुत जल्द रसलमेनिया का स्टेज पूरी तरह से रेडी हो जाएगा एंड मे बी फ्राइडे तक WWE अपने यूट्यूब चैनल पर स्नीक पिक रसलमेनिया की पोस्ट कर देगी, यानी रसलमेनिया स्टेज की पूरी वीडियो WWE अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेगी एंड दोस्तों इन फ्यूचर इस चैनल पर रसलमेनिया के स्टेज को लेकर आपको अपडेट मिल जाएगी। बात करें नेक्स्ट स्टोरी की तो लोगन पॉल का मैच रसलमेनिया 39 में सेथ रोलिंस के साथ होने वाला है एंड दोस्तों अब लोगन पॉल को लेकर अपडेट है कि लोगन पॉल का कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ बहुत जल्द एंड होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है एंड मे बी रसलमेनिया 39 में सेथ रोलिंस के साथ लोगन पॉल का करंट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लास्ट मैच हो सकता है एंड डेफिनेटली रसलमेनिया के बाद लोगन पॉल अपना नया कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ साइन करेंगे, तो देखना होगा लोगन पॉल WWE के साथ किस तरह की न्यू डील साइन करते हैं। एंड वीडियो का एंड करते हैं रसलमेनिया 39 से, तो रसलमेनिया 39 सोफी स्टेडियम लॉस एंजलिस में होने वाला है एंड यहां पर रसलमेनिया को लॉस एंजलिस में करवाने का बड़ा रीजन है। दरअसल रसलमेनिया के बाद अप्रैल के एंड तक WWE की मीडिया राइट्स के सेल की डील होने वाली है एंड उस सेल को बेटर बनाने के लिए WWE ने हॉलीवुड जैसी जगह को चूज करा रसलमेनिया के लिए, ताकि WWE अपने मीडिया राइट्स को हॉलीवुड थीम से बेटर बनाकर सेल को बेटर बना सके, बिकॉज लॉस एंजलिस मीडिया एंड मूवीज का गढ़ है। तो हां WWE ने दिमाग से खेल खेला है, अब रसलमेनिया 39 हॉलीवुड में होगा तो WWE को और ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी एंड इसीलिए WWE ने लॉस एंजलिस को रसलमेनिया 39 के लिए चूज करा था। तो बस ये थी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, इसी के साथ कमेंट करके रसलमेनिया 39 के स्टेज पर अपने थॉट्स बताओ कि आपको रसलमेनिया का स्टेज कैसा लगा, बढ़िया है या घटिया है, जो भी है आपके थॉट्स कमेंट करो एंड ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।